नमस्कार। तो आज दुखद भरी खबर के साथ हम आपके साथ लाइव हुए हैं। मैं जुगिंदर से दीपक चौहान। तो इस वक्त हम आपको लेके आए हैं मंडित लोकसभा सांसद पंडित रामस्वरूप शर्मा जी के घर। यहाँ पे आपको सुनने में जहाँ की जानकारी मिली है कि पंडित रामस्वरूप शर्मा जी का दिल्ली निवास स्थान में निधन हो गया है, तो उसके बाद उनके घर में क्या सिचुएशन है, उनके घर में क्या आप देख सकते हैं कि जो उनके घरों में आना जाना लोगों का शुरू हो गया है। तो जलपेहड़ में जो उनका निवास स्थान है वहाँ पे आपको ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दिव्यमाचल टीवी के माध्यम से आपको ये दिखाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि रामस्वरूप शर्मा जिनका जन्म जो है 10 जून 1958 को हुआ था और उनके चाहने वाले आप देख सकते हैं कि गांव के जो लोग हैं वो उनके घरों में आने जाना शुरू हो गए हैं। घरों में जो उनके घर का जो माहौल है इस वक्त दिव्यांचल टीवी के माध्यम से आपको ये लाइव दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक जानकारी और बता दें कि जो दिल्ली में जो उनका निधन हुआ है उसके बाद वहाँ पे संसद दल की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा एक ये आघात हुआ है। आपको बता दें कि मंडी शिवरात्रि में उन्होंने भाग लेने के बाद वो दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में जाने के बाद पिछले कल आज सुबह ही ये सूचना आई है कि उनका वहाँ पे निधन हो गया है। अब निधन के कारणों का क्या है उसके मामले में ये वहाँ पे जानकारी अभी तक पूरी जुटा नहीं पाए हैं, लेकिन जो उनका पंडित रामस्वरूप शर्मा जी का जो घर का जो माहौल है ये दिव्यांचल टीवी के माध्यम से आपको ये लाइव दिखाया जा रहा है। हिमाचल की राजनीति में आपको बता दें कि वो खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि इन्होंने इससे पहले जो दूसरी बार ये मंडी लोकसभा सांसद बने हैं, इससे पहले इन्होंने जो राजा वीरभद्र जी की पत्नी थी रानी प्रतिभा सिंह जिनको उनको भी हराया था और दूसरी बार ये सांसद बनने के बाद दिल्ली पहुंचे थे। ये लाइव तस्वीरें आपको दिव्यांचल टीवी के माध्यम से आपको ये जुगिंदर के घमरेड़ गांव जहाँ पे पंडित रामस्वरूप जी का घर है वहाँ से दिखाई जा रही हैं और उनके घरों के क्या माहौल है, लोगों का जो आना जाना है, जो दुख प्रकट करने हैं लोग वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि उनके जो बड़े पुत्र उनकी जो बीवी है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब कब वो यहाँ पे पहुँचेंगे इस तरह की अभी तक हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। जहाँ तक ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में कुछ निधन उनका कैसे हुआ है इसके बारे में अभी कोई भी पुष्टि दिव्यमंचल टीवी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से अकरण ये लगाए जा रहे हैं कि उनका दिल्ली में कैसे निधन हुआ है इसके बारे में किसी भी तरह का जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। आपको बता दें कि दिल्ली में उनका निवास स्थान पर उनका निधन हो गया था। इससे पहले वो कुछ समय से अस्वस्थ भी चल रहे थे, उनका हार्ट के लिए स्टंट भी कुछ समय पहले पड़ा था और उनका शव जो है किस संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ पे दिल्ली में हुआ है इस बात की अभी तक हमारे पास कुछ किसी भी तरह की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन रामस्वरूप शर्मा जी 12 तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भी वो भाग लेने पहुँचे थे। तिब्बत जब उनकी थोड़ी सी शिवरात्रि के दौरान ही उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी तो वो दिल्ली चले गए थे। दो बार सांसद रहने के बाद ये दिल्ली पहुँचे थे, इन्होंने रानी प्रतिभा सिंह को भी हराया था। तो अब आप ये यहाँ पे लाइव तस्वीरें जो हैं आप इस वक्त देख सकते हैं दिव्यांचल टीवी के माध्यम से उनके घर में सांसद रामस्वरूप शर्मा जी के घर में क्या माहौल है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जानकारी और बता दें कि हिमाचल सरकार की बहुत सी जो सरकारी कमेटियाँ उनके वे सदस्य हैं, उनका जो 1958 में उनका जन्म हुआ था और ये बीजेपी के ही राजनेता रहे हैं
इसके बाद हिमाचल राज्य आयोजन, जो राज्य भाजपा के आयोजन सचिव हैं, खाद्य पूर्ति निगम के उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें कि आरएसएस के बहुत सक्रिय सदस्य पंडित रामस्वरूप जी रहे थे। एक बात आपको और बता दें कि दिल्ली के जो उनका निवास स्थान है वहां पे इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वहां पे पहुंच गई है कि मौत का क्या कारण रहे हैं। वहां पे सभी जानकारी के साक्ष्य वहां पे दिल्ली में जुटाए जा रहे हैं। उसके बाद ही यहां पे उनका शव जोगिंदर के उनके निवास स्थान में पहुंचेगा। इस वक्त यहां पे उनके घर में सिर्फ उनकी बड़ी वाली बहू ही यहां पे मौजूद है। इसके साथ जो गांव के जो लोग हैं वो यहां पे मौजूद हैं। तो आप हर अपडेट के साथ आप जुड़ रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। मैं जोगिंदर से दीपक चौहान, धन्यवाद।